नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल में। इस वीडियो में बात करेंगे हम रिजल्ट GDS रिजल्ट के बारे में जो आ चुका है। अगर अब तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन प्रेस कर सकते हैं। तो दोस्तों आइए बात करते हैं रिजल्ट के बारे में। दोस्तों जैसे कि आपको पता ही लग गया होगा, बहुत से लोगों को जिसमें सेलेक्ट हो चुका है क्योंकि जो रिजल्ट है मैसेज दो दिन पहले ही आ चुके हैं सभी लोगों को। लेकिन जो वेबसाइट रिजल्ट ये पब्लिश हुआ, ये आज हमारे ये आज हुआ है वेबसाइट रिजल्ट। तो ये साउथ इंडिया से जो हमारे पास रिजल्ट आने शुरू हो गए हैं, केरला का जो ये रिजल्ट है ये आ चुका है। आइए दोस्तों बात करते हैं क्या इसमें रहा कट ऑफ और कितने गई परसेंटेज। दोस्तों तो सबसे पहले बात करते हैं कट ऑफ की। कट ऑफ इसमें बहुत ही हाई गया है। हम बात करते हैं दिलीप है, मुकेश है, श्याम है, श्याम सुंदर है, मनु है, सज्जिता है और मीनू मोहन है, शिल्पा है। इन सबकी परसेंटेज जो गई है 95 गई, सबकी परसेंटेज में इक्वल 95 गई है। तो इसके बाद हम बात करते हैं कुछ और लोगों की। यहाँ पे हमारे कुछ और लोग हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे हर्षल है, रमित है, स्नेहा है, श्रुति है। और यहाँ बात करते हैं कि परसेंटेज की, श्रुति की यहाँ परसेंटेज गई है 97%। तो आपको बहुत बहुत बधाई, आपकी सिलेक्शन हो गई है इसमें GDS में। आपको बहुत शुभकामनाएँ। बहुत जल्द GDS की सैलरी भी अच्छी हो जाएगी अगर पे कमीशन इसमें लागू हो गया। और उसके बाद बात करते हैं कुछ और लोगों की। यहाँ परसेंटेज देखते हैं 92, 93, 95 यही रही है। और दोस्तों जो इसमें मेन बात हम देख सकते हैं कि यही है कि परसेंटेज कट ऑफ बहुत ही हाई गया है। दोस्तों कट ऑफ हाई जाने का मतलब यही है कि इसमें बहुत जो हमारे दोस्त हैं जो उनकी परसेंटेज 90 से कम थी उसको उनको जोर हुआ होगा। लेकिन मैं इतना कह सकता हूँ कि आप और एग्ज़ाम की तैयारी कीजिए, SSC की तैयारी कीजिए, बहुत से एग्ज़ाम और भी होते हैं उनकी तैयारी कीजिए। तो दोस्तों आइए कुछ और लोगों की बात करते हैं। हमारे जो दोस्त यहाँ पे सेलेक्ट हुए हैं, अनु जोश है, इनको जोशी है, इनकी परसेंटेज 95% है। हम उसके बाद बात करते हैं विघ्नेश है, यहाँ पर बात करते हैं सारथ है, हम उसके बाद बात करते हैं हर्षिता। कुछ लोगों की परसेंटेज 95 रही है। दोस्तों जो इसमें एक बात मैं आपको बहुत हैरान कर रही है, 95 इसमें 1100 ये पोस्टें थी, इसमें से 1100 इसमें से जो मैं देख रहा हूँ यहाँ पे 1100 में से लगभग 800-900 की परसेंटेज 95 गई है। तो ये थोड़ा इसमें हम देख सकते हैं बहुत हमारे लिए भी हैरानी की बात है कि परसेंटेज इतनी हाई गया है, कट ऑफ इतना हाई गया है। अब इस तरह की जॉब के लिए भी, मेल डिलीवर के लिए अगर परसेंटेज 95 जाए तो आप लगा सकते हैं कि कितनी बेरोजगारी है। तो इसके बाद कुछ और लोग हैं हमारे पास इसमें जो सिलेक्ट हुए हैं, इनके बारे में बात कर लेते हैं। प्रियंका है 95% और विजिता है 95%, अंजू है 95%, उसके बाद रोहन है 95% और नीतू है 95%, प्रवीण है 95%। दोस्तों उसके ये तो सबकी परसेंटेज 95 गई है। तो इसके बारे में बात अब नहीं करेंगे इस वीडियो में। तो उसके बाद बात करेंगे हम नेक्स्ट रिजल्ट के बारे में। दोस्तों नेक्स्ट रिजल्ट कौन से सर्कल के आने वाले हैं उसके बारे में बात करते हैं। तो हमारे पास जो नेक्स्ट सर्कल है वो हमारे पास यही है, नॉर्थ ईस्ट के जो चांसेज है बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं। वो रिजल्ट इस महीने तो नहीं आएगा लेकिन नेक्स्ट मंथ अप्रैल मंथ के फर्स्ट 2 वीक्स में नॉर्थ ईस्ट का रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा। तो उसके बाद कुछ और रिजल्ट भी हमारे पास है। महाराष्ट्र का रिजल्ट भी बहुत जल्द आने वाला है, रिजल्ट आने शुरू हो चुके हैं। अब 3-4 रिजल्ट एक साथ आएंगे और ये रिजल्ट 2 हफ्तों में नेक्स्ट में आ जाएंगे। तो इस तरह से ये रिजल्ट आने वाले हैं। तो आप इसमें सेलेक्ट हुए तो प्लीज़ वीडियो में कमेंट जरूर करें। अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर दें। इस तरह से आप लेटेस्ट जानकारी पा सकते हैं हमारे चैनल पे GDS रिजल्ट। और अन्य कोई अपडेट चाहिए हो आपको किसी और एग्ज़ाम की, SSC की, HAS की, जो भी हो, IAS की, UPSC की, कोई भी जानकारी हमारे चैनल से आप ले सकते हैं। तो इस तरह से आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक करें और शेयर जरूर करें अपने दोस्तों के साथ। अगर आप का रिजल्ट आया है तो कमेंट में जरूर हमें रिप्लाई करें कि आप इसमें सेलेक्ट हुए हो। तो ये बहुत ही खुशखबरी की बात है कि जो लोग उसमें सेलेक्ट हो गए हैं। तो दोस्तों एक बार फिर से वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक जरूर करें, शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। जय हिंद, जय भारत।